बोलना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये हम लोगों को क्या समझाते हैं कि गौ माता को रक्षा करो, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये उसी बीफ कंपनी काटने वाले से 250 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्यों लिया और किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप बताइए? उनको बना रहे हैं जो नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते हैं। अब आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एक ही नहीं स्कीम है, अगर आप इसमें देखें तो ये एक छोटा सा स्कीम नहीं है ना, कि इंडिया लेवल पे स्कीम है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है। भाइयों क्या किया मोदी जी ने, RDX कहाँ से आया अभी आप इस पर भी पता करेंगे तो खुलासा नहीं हुआ कहाँ से आया 250 किलो जो RDX आया, बातें कहते हैं पता नहीं सुनते नहीं। उसके बाद मैं पाक इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की एक कंपनी है, पुलवामा अटैक जब हुआ है उसके 40 दिन बाद मोदी जी ने 40 दिन बाद वहीं से क्या किया उन्होंने, वहां से भी उन्होंने चंदा लिया है। आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, मीडिया के भी कुछ बारे में बता रहा हूँ। मीडिया में आज तक आप खोलो भैया दलाल बने पड़े हैं। सुधीर चौधरी, आप लोगों ने देखा होगा सुधीर चौधरी भाई साहब, वो बेरोजगारी का फायदा बताते हैं कि बेरोजगार होने के क्या फायदे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। रुबीना लियाकत, अभी एक और मैं मुद्दा थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ, फलस्तीन और इसराइल का मैटर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ क्या चल रहा है, ये रुबीना लियाकत यहाँ से जाती है, वहाँ आप खुद देख रही हैं कि वहाँ पे एक मुद्दा है कि आतंकवादी के बारे में, थोड़ा सा टेररिस्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे क्या है, फलस्तीन और इसराइल का मैं थोड़ा सा वहाँ मैटर चल रहा है, वहाँ उनका बहुत पहले से मैटर चल रहा है। अभी यहाँ रुबीना लियाकत जाती है, वो भी एक पत्रकार है, वो यहाँ जाती है और इसराइल जाती है, इसराइल जाके वो बिल्कुल एंटी बोलती है, मतलब लगता है कि बीजेपी तो उनको, हमें लगता है कि उनको मतलब ऐसे पैसे जैसे दे रही है कि उनको क्या बताएं, बिल्कुल एंटी बोलती है, एंटी पब्लिक, जो सच्चाई है वो दिखाते नहीं है। अभी आपने लद्दाख का मैटर देखा, अभी आपने मणिपुर का मैटर देखा, मीडिया वो नहीं शो कर रही है, मीडिया कुछ नहीं शो कर रही है, वो सरकार गिरा सकती है, वो रियलिटी दिखा सकती है जो हमारा वो है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रही है। भाई आप लोग बेरोजगार रहोगे, मीडिया ये चाहती है, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, क्यों? अभी मैम आपने देखा होगा मीडिया को मोदी जी ने जो मतलब सरकारी जो पैसा है उसमें से मीडिया को वो कितना पैसा दिया, आपको कुछ इसके बारे में अंदाजा है? हमने उस पर मैंने सोशल मीडिया का मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जो सरकारी खजानची है जो वहाँ से मोदी जी ने अप्रोक्स, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलियन में पैसा मीडिया को दिया है, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई ना दिखाए, वो हर चीज़ को अलग तरीके से दिखाए कि नहीं है। उसमें क्या है, सुधीर चौधरी आते हैं भाई ये बताते हैं, मैं बेरोजगारी का आपको फायदा बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे तो लोग हैं जो इंडिया में मतलब वैकेंसी पड़ी हुई है, आप लोग योग्य नहीं है, 60,000 वैकेंसी निकाली, उसमें कितने लोग हमारे भाई बहन कितने दिए, 55 लाख लोगों ने उस फैम को क्या किया, फील किया, अपने आंखें खोलो भाई। मैं एक पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी अगर मेरे से आप मेरा व्यू मांगे तो मेरा तो ये सवाल नहीं, ये भाई मुस्लिम है ये मुस्लिम है भाई साहब, मैं हिंदू, अभी बीजेपी ने क्या किया है भाई, ऐसा लड़वाया है, ये हमारे रूममेट, मैं एक एग्जाम्पल इनको देता हूँ, ये इनका नाम है विशाल कुमार, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद, ये हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक साथ हर चीज़ करते हैं। अब बीजेपी सबसे जब से आई है ना मैम, तब से क्या करी है कि वो ऐसा मतलब बीच में क्या बोलते हैं कि जहर फैलाया है ना, ऐसा जहर फैलाया है कि हमें इनसे नफरत होने लग जाएगी कुछ दिन में, अभी है साथ में लेकिन नफरत हो जाने लगी, क्यों? 22 साल तक नौकरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया मेरा तो उम्र 70 साल है, मुझे एक और मौका दो, किस मुंह से मांग रहे हैं भाई आप,